हर कोई सोच रहा है ना, दोबारा अगर चमोली जैसी आपदा आई तो क्या होगा। ऐसी विनाशकारी घटना को देखने के बाद कैसे इन आपदाओं से इंसानों को बचाया जाए। हजारों ग्लेशियर हैं उत्तराखंड में, ऐसा क्या किया जाए जिससे भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विपिन चंद्रा। आप देख रहे हैं हमारा सबसे प्रमुख चैनल न्यूज टुडे नेटवर्क। बीते दिनों उत्तराखंड के चमोली जिले में भयंकर त्रासदी को पूरी दुनिया ने देखा और जाना कि प्रकृति जब अपने विनाशकारी रूप में आती है तो अंजाम कितना बदतर हो सकता है। तो आज हम बात करने वाले हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट द्वारा चमोली आपदा से सबक लेते हुए स्विट्जरलैंड और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी के वैज्ञानिकों के साथ बनाई गई गाइडलाइन के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि क्या है वह तकनीकें जिनका इस्तेमाल करके आपदा से भविष्य में इस तरह की घटनाओं से होने वाले नुकसान और लोगों की जान को बचाया जा सकता है। अब गाइडलाइन की विस्तार से चर्चा इसमें हम लोग कर लेते हैं। NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा स्विट्जरलैंड की संस्था SDC और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी NIH के आपसी सहयोग से चमोली जैसी आपदाओं से बचने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जो कि भारत में ग्लेशियर से आई आपदा की रोकथाम को लेकर पहली गाइडलाइन है, ऐसा दावा भी हो रहा है। आपको शायद जानकर हैरानी होगी, उत्तराखंड जैसे छोटे से राज्य में कुल 1400 से ज्यादा ग्लेशियर हैं। इनमें तमाम छोटे बड़े ग्लेशियर शामिल हैं। अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार अभी सिर्फ 5 प्रमुख ग्लेशियर गंगोत्री, डोकरयानी और दूनगिरी, चौराबाड़ी और पिंडारी की ही निगरानी की जा रही थी। इस गाइडलाइन के अनुसार हिमालय के अति दुर्गम इलाकों में इन सभी ग्लेशियरों पर अत्याधुनिक तकनीकों की मदद से अब नजर रखी जाएगी, जिससे एक अर्ली वार्निंग सिस्टम तैयार किया जा सके जो आपदा के समय आम लोगों तक सूचना पहुंचाने का कार्य बेहतर ढंग से करेगा। इसके साथ ही ग्लेशियर और झीलों के लिए तैयार गाइडलाइन में खतरनाक ग्लेशियर झीलों के लिए हाइड्रो डायनेमिक मॉडल तैयार करने की बात की गई है, जिसमें अगर कोई झील टूटती है तो उसके पानी का वेग, गहराई और उसके तबाही क्षेत्र का पता पहले से ही लगाया जा सकता हो। माना यह भी जा रहा है पहाड़ पर झीलों का पानी अगर रिसता रहे, यानी पानी निकलता रहे, तो हादसा नहीं होगा या फिर हादसे में बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। इसलिए रोजाना सैटेलाइट और अन्य उपकरणों से सभी झीलों की मॉनिटरिंग करने और सिकड़ रहे ग्लेशियरों को आपस में बन रही झीलों के पानी को टनल पंपिंग या अन्य तरीके से कम करने की प्रक्रिया को अमल में लाने की बात इस गाइडलाइन में बताई गई है। साथ ही अब वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों की टीम उत्तराखंड के संवेदनशील ग्लेशियरों का अध्ययन भी करेगी, जिसको लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। ये वह तमाम कोशिशें हैं जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट द्वारा दोबारा ऐसी तबाही को रोकने के लिए जारी की गई हैं। अभी तक इस हादसे में अनगिनत शव मिल चुके हैं और कई अभी भी लापता हैं, जिनके प्रति हम अपनी संवेदनाएं प्रकट भी करते हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में ऐसी आपदाओं से बचने के लिए अपने सुझाव हमें बता सकते हैं, जिससे हम आपकी बात आगे तक पहुंचा सके। हमारे चैनल पर आपको ऐसी अपडेट रोजाना मिलती रहेंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। नमस्कार।